लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल सीट से प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम ने सवाल उठाए हैं। खादिम ने सवाल में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं और चुनाव में एक अभियुक्त को टिकट देते हैं जिस पर आतंकी गतिविधियां फैलाने का आरोप है। खादिम मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं लेकिन चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आतंकी आरोपों का सामना करने वाला व्यक्ति देश में चुनाव लड़ रहा हो। बता दें कि अक्टूबर 2007 में सूफी दरगाह अजमेर शरीफ में हुए धमाके में शुरुआती तौर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम सामने आया था। जांच के बाद ANI ने सबूतों के अभाव में प्रज्ञा को बरी कर दिया था।